खासदार संजय राऊत यांनी यूपी निवडणूक आणि उत्पल परिकर या विषयांवर चर्चा करत प्रसार माध्यमांसोबत संवाद साधला. यावेळी संजय राऊत यांना यूपी निवडणुकांवर प्रश्न विचारले असता ते म्हणाले की योगी आदित्यनाथ गोरखपूरवरून लढू किंवा अयोध्येवरून तो त्यांचा निर्णय आहे, कारण पूर्ण उत्तर प्रदेश त्यांचे आहे. मात्र ज्या प्रकारे गंगा नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मृतदेह आढळून आले होते त्यामुळे यूपीच्या लोकांमध्ये अराजकता आहे, आणि असं असूनही त्यांना जर वाटत असेल की आम्हाला 300 जागा मिळू शकतात तर गंगा नदीमधले मृतदेह त्यांना मतदान करणार आहेत का, असा टोला त्यांनी यावेळी मारला. देखिए, यूपी की जो टक्कर और चक्कर है राजनीति की, वो बहुत महत्वपूर्ण है. योगी जी चाहे गोरखपुर से लड़े चाहे अयोध्या से लड़े, उनकी मर्जी है. कहाँ से भी लड़े, पूरा उत्तर प्रदेश उनका है. देश से लड़े, मैं उसका ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो उनका अधिकार है कहाँ से लड़ना है. लेकिन जो बात फिर एक बार 300 सीट की होती है, वो आश्चर्यकारक है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अनरेस्ट है, अराजकता है, लोग सवाल पूछने लगे हैं, जिस तरह से गंगा में लाशें बहते हुए लोगों ने देखा है पूरे विश्व में, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि 300 सीटें आएगी तो क्या जाए गंगा में जो लाशें बहती थी वो आकर उनको होट करने वाले हैं क्या? जिंदा लोग तो उनको होट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे. छोड़ दीजिए, अखिलेश ने भी अपना पूरा ध्यान चुनाव पे देना चाहिए, पूरा ध्यान, और सबको साथ लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए. अहंकार सबको डुबाता है, ये हमारे सामने उदाहरण है. और लोग बहुत बड़ी अपेक्षा से अखिलेश की तरफ देख रहे हैं. हम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिवर्तन की ताकत जो है वो कांग्रेस, अखिलेश और जो भी गैर भाजपा जो पार्टी है उनको मिलकर ही लड़ना होगा. उत्पल परिकर हे आपमध्ये प्रवेश घेणार याबद्दल राऊत म्हणाले की मनोहर परिकर हे गोव्याचे मुख्यमंत्री तसेच भाजपचे नेते होते आणि गोव्याच्या विकासात त्यांचा नक्कीच योगदान होतं. मात्र आता त्यांचे चिरंजीव उत्पल परिकर हे अपक्ष लढणार असतील तर सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरून उत्पल परिकर यांच्या मागे ठामपणे उभे राहायला हवे. परिकर यांच्या कुटुंबांविषयी तुम्हाला अशा प्रकारे बोलताय तर तुमची लायकी काय, असा सवालही त्यांनी भाजपला यावेळी केला. को गोवा में अगर किसी ने बढ़ाया है तो मनोहर पर्रिकर ने बढ़ाया है. गोवा के विकास में भी मनोहर पर्रिकर जी का योगदान रहा है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके फैमिली के साथ जो हुआ है दुर्व्यवहार, वो गोवा की जनता और पूरे महाराष्ट्र भी हमारे यहाँ भी वो अच्छा नहीं लगता. उत्पल पर्रिकर उनका बेटा है, जिसको उस प्रकार से अपमानित किया गया है, वो भी ठीक नहीं है. अगर पूछे कि क्या आपके औकात है, जैसे महाराष्ट्र में पूछते हैं लोग औकात की बात, तो आपके औकात क्या है मनोहर पर्रिकर के सामने? उत्पल पर्रिकर को टिकट देना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी पार्टी का कोई है, उनके पार्टी का कोई संबंध, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जैसे लोग भी दबाव बना रहे हैं कि उनका अपमान मत करिए, तो उनको टिकट देना पड़ेगा पणजी से. अगर नहीं दिया और उत्पल पर्रिकर भी फिर भी चुनाव लड़ना चाहती इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते गोवा में, सभी ने उत्पल के पीछे अपना समर्थन देना चाहिए और उत्पल को जीतकर लाना चाहिए. निराशा वैफल्य त्यातून अशा प्रकारची भाषा वापरतात, असंसदीय भाषा वापरतात. अटलजींचे संस्कार विसरलेत इतकंच मी सांगेन.